हेलो एवरीवन, वन बाय वन करके हम 18th नंबर क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं और आरडी शर्मा की बुक से कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, क्लास 8 के लिए है, आपको पता है। और मैं हूं भारती जायसवाल, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, आओ हिंदी सीखें। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मल्टीप्लाई दिस बाय दिस एंड वेरीफाई द आंसर फॉर एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2। वेरीफाई मतलब आपको ये प्रूफ नहीं करना है कि जितना आंसर इसका आएगा वही आंसर प्रोडक्ट का आएगा, वो तो होना ही है, चूंकि यहाँ भी एक्स वाई की वैल्यू हम वही डालेंगे और प्रोडक्ट में भी वही डालेंगे। तो हमें क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद प्रोडक्ट का जो आंसर है हमारा उसका वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां हो जाएगा आपका -3/2x²y²(2x) और इधर हो जाएगा -y(-) माइनस में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि दो साइन हम बिना ब्रैकेट नहीं लिख सकते, तो x²y²। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक्चुअली इनको मल्टीप्लाई करना था इनसे, लेकिन बात वही है, आप इससे कीजिए चाहे इससे कीजिए, मल्टीप्लाई तो सेम ही, प्रोडक्ट तो सेम ही आएंगे, इसलिए हमने इससे ही कर लिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, -3/2 और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल कर लेते हैं। चलिए -3 केवल बचेगा और x पे पावर हो जाएगा क्यूब और y² रह जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और देख लेते हैं यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो प्लस का 3/2 और x² एंड y³। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब हम वैल्यू डाल देंगे, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ हो जाएगा -3 × एक्स की वैल्यू 1 है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और वाई की वैल्यू 2 है तो 2² है, यानी कि 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3/2 फिर 1 तो ऐसे ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 टाइम्स हम 2 लिखेंगे क्योंकि वाई की वैल्यू है 2, एक 2 तो हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, यानी कि -12 और इधर हो जाएगा प्लस का 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12। ओ ये तो 0 आ गया, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हम माइनस माइनस करेंगे प्लस माइनस तो माइनस यानी कि 0, तो आंसर इसका है 0। तो हमें वेरीफाई क्या करना है कि अगर आपने ये वैल्यू सेम इक्वेशन में डाली तो भी आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है ना, तो हम प्रोडक्ट निकाल के और तब वैल्यू डालें या हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके और तब वैल्यू निकालें, बात वही होने वाली है। लेकिन चूंकि हमें कहा गया है कि आंसर निकालना है, वेरीफाई द आंसर, तो हमने प्रोडक्ट यानी कि आंसर निकाल के और तब वैल्यू पुट किया। ठीक है, चलिए आप करके देखना, दोनों तरीके से सेम ही आएगा और आपका आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ 19 के अंदर। तो मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फॉर एक्स दिस दिस, वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई ही करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हो जाएगा आपका 15y²(2−15y²−3x। ठीक है, अब इस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 × 2 = 30 हो जाएगा, 30y², यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 × 3 = 45, 45y²x। ठीक है ना, अब हम कुछ नहीं कर सकते तो अब हम वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, 30 × y की वैल्यू क्या दी हुई है, ये 30 × 0.25। हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/100 × 25/100। देखते हैं आंसर इजीली आता है या थोड़ा टफ हो जाएगा, और लेकिन कई तरीके से निकाल सकते हैं आप, डेसिमल में भी निकाल सकते हैं और डेसिमल हटा के भी निकाल सकते हैं, बात एक ही है, आंसर एक ही आने वाला है,
बस देखना है कि कौन से इजीली किस मेथड से इजीली हो जाता है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 25 ही वैल्यू है y की, तो 25 अपॉन 100 इंटू 25 अपॉन 100, और x की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, -1, तो यहाँ हम कर लेंगे -1। ठीक है, चलिए केवल वन होता तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वन है तो माइनस का फर्क तो पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं, 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 2 जा 4 कर लीजिए, और यहाँ कर लीजिए 15। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ बच गया 15 अपॉन में 8। ठीक है, और यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम फाइनली माइनस ही लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा। कुछ खास फायदा है नहीं, पर चलिए ठीक है, अब हमने कर लिया तो कर लिया, 45 अपॉन में 16 हो जाएगा, थोड़ा सा और लेंदी हो गया। अब चूंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, चलिए एलसीएम तो आई थिंक 16 ही आएगा इसका, आप निकाल कर देखना, 16 ही आएगा। तो 8 2 जा 16, 2 कोसेंट है, और फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 30, और इधर 16 1 जा 1 कोसेंट हुआ, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा, माइनस कीजिए दोनों को, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -15 अपॉन में 16। वाह क्या आंसर आया है, 15 अपॉन 16। ठीक है, माइनस का 15 अपॉन 16, सही किया है ना हमने, कुछ गलत तो नहीं किया है कहीं पे, एक बार ध्यान से चेक कर लें, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर ये माइनस हो गया, नहीं कुछ गलत किया है हमने शायद। ओहो एक मिनट, हमने गलती कहाँ पे की है, यहाँ पे गलती की है, देखिए ये तो प्लस का 15y² है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, ये गलत हमने कर दिया था, और अब ये प्लस माइनस यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, और जब आप अगेन यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली प्लस होकर आएगा, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई थी। और तो ये सारे प्लस हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस का 75 हो जाएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 75 अपॉन 16, मुझे लगा -15 अपॉन 16 क्या आंसर है, चलो कोई बात नहीं, अब तो सही है 75 अपॉन में 16। एक और क्वेश्चन मैंने लिया था लेकिन जगह तो खत्म हो गई, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे करते हैं, आधे उधर कर लेंगे ऐसे, यस अब समझ आ जाएगा। चलिए यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3x into y² और +z² into -3x, यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ आपका हो जाएगा -3xy² और इधर हो जाएगा प्लस माइनस -3xz². अब z की वैल्यू है 0.05 और y की वैल्यू है 0.25 और x भी है इसमें -1, हमें सारे के वैल्यू डालने पड़ेंगे बहुत ध्यान से, चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 into -1, x की वैल्यू डाल दी हमने, इंटू y की वैल्यू, चलिए हम डेसिमल हटा लेते हैं फिर से, 25 अपॉन 100 कर लेते हैं और इंटू 25 अपॉन 100 कर लेते हैं। ठीक है, कुछ खास फायदा नहीं है इससे, पर हमने कर लिया, ये जगह छोटी पड़ रही है, हटाओ यहाँ से, चलो यहाँ नीचे करते हैं और फिर से लिख लेते हैं पूरा, यहाँ हो जाएगा आपका -3xy² -3xz², ये है हमारा प्रोडक्ट, अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, -3 into -1 यानी कि x की वैल्यू हो गई, अब y के लिए हमने कर लिया, चलो 0.25 into 0.25 ही कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं 3 into फिर से -1 और into
जेड की वैल्यू है 0.05 इंटू 0.05, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, ये तो आपका हो जाएगा -3 इंटू 1, -1 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, और इधर है हमारे पास 25 इंटू 25, तो ये होता है 625, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 3 और इधर लिख लेंगे हम 625, तो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन 2 + 2, यहाँ पे आपको 4 डिजिट के बाद डेसिमल देना है, यानी कि 0 डालना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 3 इंटू 5 जा कितना होता है 25, और 4 डिजिट के बाद डेसिमल देना है, तो हमें करना पड़ेगा क्या 0.0025, समझ रहे हो आप। 5 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, लेकिन चूंकि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद हमें डेसिमल देना है। चलिए अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 5 = 15 का 5 लिखिए, 3 2 = 6 + 1 = 7 हो जाएगा, और 3 6 = 18 हो जाएगा, 18 का 8 डालिए, 3 0 = 0, तो यहाँ पे 1 18 का 1 डाल दिया, और डेसिमल तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे। चलिए प्लस इधर हो जाएगा आपका 25, 3 जा तो होता है 75, लेकिन हमें डेसिमल तो लेकर चलना पड़ेगा 0.0775, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, क्या आएगा इसका फाइनल आंसर। बहुत डेंजरस नंबर आ गए हैं और डर भी लग रहा है, पता नहीं सही जा रहे हैं या कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। आई थिंक अब हमें डेसिमल हटा देना चाहिए क्या, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा और थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हटाकर, यहाँ 1875 अपॉन में आपका आएगा 1, डेसिमल के बदले 1 लिखा, और 4 डिजिट है तो 1 2 3 4, ओके। और इधर हो गया आपका 75, हाँ ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, यहाँ पे भी डेसिमल के बदले 1 and 1 2 3 4, 40, हाँ ये तो इजी हो गया। अब जो है डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम केवल न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, तो 5 + 5 = 10 हो गया, और 7 + 7 = 14 + 1 = 15 का 5 लिख दिया, 8 + 1 = 9 हो गया, और यहाँ हो गया 1 0 0 4 × 0 0, पता नहीं मुझे ये गलत भी है या सही भी है या गलत है, ये 0 तो कट जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, अब हम डेसिमल डाल के सीधा लिख सकते हैं, 0.123 है तो 1 9 5 1 2 3 के बाद डेसिमल दे दिया 0, ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक मिनट मैं आंसर चेक कर लूँ, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। ओहो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, हम ऐसे भी दे सकते हैं या हम यहाँ पे इसको और कैंसिल कर सकते हैं। 0 0 तो किया, 5 से और कैंसिल कर सकते थे, यहाँ 5 3 = 15 एंड 5 9 = हो गया, ठीक है, 39 टाइम्स में ये कट जाएगा, और ये 5 से 5 2 = 10 0 0, मतलब आप ये आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 39/200, यही आंसर आपको बुक में दे रखा है। आंसर ये भी सही है, बट हमने गलती की है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो हमें कैंसिल करना चाहिए। तो चलिए फाइनली आंसर तक आ गए हम और सही आंसर पे आ गए। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।